वे प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम काउज मिल्क, जिसे मोस्टली किड्स ऑलरेडी कंज्यूम करते हैं। सिंपल रूल है, अगर किड्स को मिल्क से प्रॉब्लम नहीं है तो वे प्रोटीन से भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बच्चे पिकी ईटर्स होते हैं उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए वे प्रोटीन एक अच्छा ऑप्शन है। कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट कंज्यूम करने से पहले जरूरी है कि डेली रिकमेंडेड प्रोटीन इनटेक क्वांटिटी को कैलकुलेट करा जाए। एज पर ICMR, द डेली रिकमेंडेड प्रोटीन क्वांटिटी फॉर किड्स डिपेंड ऑन देयर एज एंड जेंडर। 1 to 3 ईयर्स के बच्चों के लिए 16.7 ग्राम्स प्रोटीन पर डे, 4 to 6 ईयर्स के लिए 20.1 ग्राम पर डे, 10 to 12 ईयर्स के बॉयज के लिए 39.9 ग्राम पर डे और गर्ल्स के लिए 40.4 ग्राम्स पर डे। 13 to 15 ईयर्स के बॉयज के लिए 54.3 ग्राम्स पर डे और गर्ल्स के लिए 51.9 ग्राम्स पर डे। 16 to 17 ईयर्स के बॉयज के लिए 61.5 ग्राम्स पर डे और गर्ल्स के लिए 55.5 ग्राम्स पर डे। और हाँ, अगर बच्चा लैक्टोस इंटॉलरेंट है तो उन्हें लैक्टोस फ्री वे प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। क्या वे प्रोटीन से हाइट बढ़ती है? बॉडी की फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। रिसर्च के अकॉर्डिंग यंगस्टर्स में प्रोटीन इनटेक और हाइट ग्रोथ में एक पॉजिटिव कोरिलेशन देखा गया है। हाइट प्राइमरीली जेनेटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, बट प्रोटीन डेफिशिएंसी से हाइट ग्रोथ स्लो हो सकती है। चाइल्डहुड और एडोलोसेंस में एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक रिकमेंडेड होता है ताकि प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से ग्रोथ स्लो डाउन ना हो। अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस एंड विटामिनोलॉजी, प्रोटीन ग्रोथ हार्मोन लेवल्स इंक्रीज करता है जो किड्स की हाइट ग्रो करने में हेल्प करता है। बट जैसे कि हम जानते हैं कि हाइट मोस्टली टीनेज तक बढ़ती है, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट टीनेज के बाद प्रोटीन इनटेक से हाइट इंक्रीज एक्सपेक्ट करना गलत होगा। क्या डायबिटिक पेशेंट्स वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं? डायबिटिक पेशेंट्स वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। इनफैक्ट वे इंसुलिन लेवल्स को इम्प्रूव करता है। वे एमिनो एसिड L-cysteine का एक अच्छा सोर्स है जिससे ग्लूटाथायोन सिंथेसाइज होता है, जो कि बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है और ये हेल्प करता है ऑप्टिमम इंसुलिन लेवल्स को मेंटेन करने में। वे प्रोटीन को अगर मील के साथ कंज्यूम करा जाए तो इंसुलिन लेवल बढ़ जाते हैं, जिससे मील के बाद ब्लड शुगर मेंटेन रहता है। डायबिटिक पेशेंट्स सोय या प्लांट प्रोटीन भी कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोटीन की वजह से डायबिटिक पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट है तो वे प्रोटीन लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। क्या वे प्रोटीन एक मील रिप्लेसमेंट की तरह यूज करा जा सकता है? वे प्रोटीन शेक मील को रिप्लेस करने के लिए नहीं होता, वो हमारी डाइट को सप्लीमेंट करने के लिए होता है, जिससे हम अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। मील रिप्लेसमेंट शेक में एडिशनल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वे प्रोटीन शेक में नहीं होते। क्या वे प्रोटीन वेजिटेरियन है? वे प्रोटीन इज 100% वेजिटेरियन। वे प्रोटीन मिल्क से बनता है। जैसे मिल्क वेजिटेरियन और सेफ है, वैसे ही वे प्रोटीन भी वेजिटेरियन और सेफ है। इसे कोई भी कंज्यूम कर सकता है, प्रोवाइडेड वो अपने डेली रिकमेंडेड प्रोटीन इनटेक को कंसिडरेशन में रखे। नाउ दैट वी हैव क्लियर दीज पॉइंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को कंपेयर करेंगे, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।